नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं स्ट्रोक का क्या मतलब होता है। स्ट्रोक वह डिस्टेंस है जो पिस्टन सिलेंडर में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक कवर करता है। तो बात करते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला फैक्टर है पिस्टन स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक इंजन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पिस्टन के फोर स्ट्रोक होने पर साइकिल कंप्लीट होता है, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के टू स्ट्रोक होने पर ही साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के दो रेवोल्यूशन पूरे होने पर एक पावर स्ट्रोक मिलता है, लेकिन कम टॉर्क जनरेट होती है। जबकि टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक रेवोल्यूशन में ही साइकिल कंप्लीट हो जाता है और प्रत्येक क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन पर पावर स्ट्रोक मिलता है, और टू स्ट्रोक इंजन में टॉर्क भी ज़्यादा मिलती है और पावर भी ज़्यादा डेवलप होती है। फोर स्ट्रोक इंजन में पावर कम डेवलप होती है। उसके बाद कूलिंग और लुब्रिकेशन की बात करें। फोर स्ट्रोक इंजन में कूलिंग और लुब्रिकेशन की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन इसमें लुब्रिकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और लुब्रिकेटिंग ऑयल की आवश्यकता कम पड़ती है। टू स्ट्रोक इंजन में कूलिंग और लुब्रिकेशन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लुब्रिकेशन काफ़ी आसान होती है। लुब्रिकेशन ऑयल फ्यूल के साथ मिक्स हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑयल की कुछ अमाउंट फ्यूल के साथ बर्न हो जाती है। उसके बाद वाल्व और पोर्ट। फोर स्ट्रोक इंजन में इनलेट आउटलेट वाल्व और वाल्व मैकेनिज्म होता है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व की जगह पोर्ट लगे होते हैं। अगर कॉस्ट और वेट और साइज़ की बात करें तो इसमें फोर स्ट्रोक इंजन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें वाल्व और लुब्रिकेशन मैकेनिज्म होते हैं और इसका जो वेट है वह ज़्यादा होता है और यह बहुत बड़े आकार में होता है। जबकि टू स्ट्रोक इंजन की कॉस्ट कम होती है और यह लाइट और साइज में छोटा होता है। उसके बाद है थर्मल एफिशिएंसी। फोर स्ट्रोक इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम होती है। पार्ट लोड एफिशिएंसी। फोर स्ट्रोक इंजन की पार्ट लोड एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और टू स्ट्रोक इंजन की पार्ट लोड एफिशिएंसी कम होती है। फ्लाई व्हील। फोर स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा भारी फ्लाई व्हील की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक पावर स्ट्रोक के लिए जब क्रैंकशाफ्ट के दो रेवोल्यूशन होते हैं, जिससे अनबैलेंस फोर्स जनरेट होती है। जबकि टू स्ट्रोक इंजन में हल्के फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एक पावर स्ट्रोक के लिए क्रैंकशाफ्ट का एक ही रेवोल्यूशन होता है, जिससे बैलेंस्ड फोर्स जनरेट होता है। पोल्यूशन। फोर स्ट्रोक इंजन से कम पोल्यूशन होता है टू स्ट्रोक के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक अलग अलग समय पर होते हैं और इसमें चार्ज पूरी तरह से बर्न हो जाता है। जबकि टू स्ट्रोक इंजन से ज़्यादा प्रदूषण होता है फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में, क्योंकि चार्ज का कुछ अमाउंट एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू चला जाता है बर्न गैसेस के साथ मिक्स होकर। नॉइस। फोर स्ट्रोक इंजन में कम नॉइस पैदा होती है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा नॉइस क्रिएट होती है। मैन्युफैक्चरिंग। फोर स्ट्रोक इंजन को मैन्युफैक्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टू स्ट्रोक इंजन को आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। वियर एंड टीयर। फोर स्ट्रोक इंजन में वियर एंड टीयर कम होता है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है पुअर लुब्रिकेशन होने के कारण। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, फोर स्ट्रोक इंजन को कार, बस, ट्रक इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन को स्कूटर, मोपेड, शिप्स आदि में इस्तेमाल किया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करता है, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन के बीच में
क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए